अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। पंचायत नामा कार्यक्रम में आज हमारी टीम सिवान सदर प्रखंड के मकरियार पंचायत में पहुंची हुई है। हालांकि एक बाजार है और आज बाजार भी लगेगा, थोड़ा समझाएंगे, अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं कि एक बाजार है मकरियार का और उस पंचायत के बाजार में हम पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और चारों तरफ है। हालांकि लोगों से हम बातचीत करेंगे कि पंचायत चुनाव हो रहा है और इस पंचायत चुनाव में जो मुखिया हैं, मुखिया के द्वारा काम उम कराया गया है कि नहीं। शुरुआत करते हैं इन्हीं से, एक दुकानदार है भाई साहब, इनसे ही बात करते हैं कि ये बताइए क्या स्थिति है मकरियार पंचायत की, जो मुखिया हैं यहाँ पे वो काम उम कराए हैं कि नहीं, जो काम होना चाहिए 5 वर्षों में। काम तो कराए हैं लेकिन फुल काम बोलिएगा तो फुल काम नहीं हो पाया है। अच्छा, काम तो कराए हैं। क्या नहीं हुआ ये बताइए थोड़ा। का नहीं हुआ है जी, गाँव में मान लीजिए कि लेटरिन वोटरिन का जो व्यवस्था है वो सब नहीं हुआ है। अच्छा, शौचालय, हाँ शौचालय पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, रोड का जो काम हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सब नहीं हुआ है। हाँ, रोड जो बना है वो भी अधूरा है। अच्छा, पूरा कंप्लीट नहीं है, यही सब काम हुआ है। तो मतलब कि काम नहीं हुआ है। हाँ, ये सब ये माना जाए जो कि काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जो वादा वो लोग किए थे वो नहीं हुआ है। सही बात। तो और सब जो पेड़ पौधे जो लगाने चाहिए पंचायत में वो सब, या फिर पेंशन योजना का जो लाभ मिलना चाहिए, बहुत सारी योजना है सरकार की, ये सब लोगों तक उतना तो योजना के बारे में हम जानते नहीं है। कौन सा सरकार की योजना है, नहीं कि नहीं जी, तो उतना हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, मुखिया आते होते हैं कि नहीं मिलने उलने के लिए आप लोगों से, किसी तरह के दुख सुख? तो अभी मान लीजिए कि फालिश का शिकायत हो गया है उनको। अच्छा, तो उनके बदले कोई देखते होंगे उनके प्रतिनिधि के तौर पे? प्रतिनिधि के तौर पे है आदमी है। कौन आदमी है? अजय नाम है ना, अजय नाम है उप मुखिया, और दोनों आदमी साथ में घूमते हैं। अच्छा, तो वो लोग आते हैं देखते हैं? कहा देखते हैं, अभी सब इलेक्शन के पीछे पड़े हुए हैं पहले से, बस कुछ नहीं। सही बात। अपना नाम बता दीजिए। सनोज गुप्ता। सनोज गुप्ता जी, इसी मकरियार पंचायत कराने वाला। तो ये आलम है, जैसे कि लोगों से बातचीत हुई, कुछ और भी लोग हैं, आप भी इसी पंचायत से हैं जी? तो ये मकरियार पंचायत है जी। मकरियार पंचायत में काम हुआ है कि नहीं ये बताइए। आज ये थोड़ा सही तरह जी धूप है, बताइए सर। काम यहाँ तो हुआ है बहुत। अच्छा, मगर जो काम हुआ है सही नहीं हुआ है। ठीक, आप यहाँ से जाइएगा मुखिया साहब के घर तरफ, उस रोड से आप जा नहीं पाइएगा। मुखिया के घर तरफ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे? नहीं, रोड से पैदल नहीं जा पाएंगे, साइकिल से नहीं तो बाइक से जा सकते हैं। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? पूरा नाला बना हुआ है, रोड ऐसा है, रोड पे ही नाला बन गया है, यानी कि पानी पूरा लगा हुआ है। गाँव का पानी जुड़ जाता है रोड में, मेन रोड में ही है। अच्छा, उसका कुछ निदान यहाँ के मुखिया उखिया लोग नहीं? मुखिया, अच्छा ये बताइए कि वार्ड नंबर कितने में ही आता है? 7 है। 7 है। पानी उनी नल जल की क्या स्थिति आपके यहाँ? नल जल सही है, पानी आ रहा है? हाँ, पानी आता है टाइम से अपना, जब लाइन रहेगा तो पानी आएगा। अच्छा, लाइट नहीं रहेगा तो मोटर सिस्टम नहीं है कि पानी। बहुत पंचायत में हम लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पे मोटर खराब है किसी तरह की, कहीं पाइप भी चाहिए लेकिन पानी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पानी तो बराबर सही आ रहा है, मगर जो भी है यहाँ प्रॉब्लम नाला का हुई है कि रास्ते से आप जाइएगा तो आप उधर थोड़ा जाइए अभी, और वो मुखिया के घर तक जाता है जी, और तब इस तरह की बदतर स्थिति जी। यहाँ से सीधा मुखिया के घर से फिर यहाँ आकर निकलेगा वो रोड। अच्छा, ना तो इसकी शिकायत आप लोग कभी मुखिया से नहीं किए कि आपके ही इलाके वाले से किए हैं? मुखिया से क्या शिकायत करेंगे, मुखिया तो कान से सुनते नहीं है, उनको वो देखेंगे मगर वो कान से सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, वो मीडिया वाले कान से क्यों नहीं कान से सुनेंगे, उनको सुनाई नहीं देता है किसी तरह बीमारी से वगैरह जी जी। तो उनके बदले तो कोई प्रतिनिधि के तौर पे होंगे ना उनका काम काज देखने उसका वाले? काम काज देखने वाले कि वही जो वार्ड बोलते हैं ना, वही है वार्ड, क्या नाम है, रितेश गुप्ता। अच्छा, तो वो लोग अपना वही वार्ड वही ना नाला वाला बनवाया ना जी, तो वो लोग आकर के देखते हैं यहाँ पे, पूछते हैं आपसे किसी तरह का काम या किसी तरह का जरूरत? नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं नहीं पूछ। तो फिर इस बार चुनाव आ रहा है, लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, आ भी रहे होंगे लोग, तो कैसे क्या करेंगे आप लोग, क्या सोचे हैं आप लोग? सोच तो अभी वही है, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जो नहीं करेगा ऐसे काम करके या छोड़ देगा तो उसको क्या वोट देंगे हम। अच्छा, और इनके पहले मुखिया कौन थे यहाँ पे? इसके पहले गणेश मुखिया थे। उनके द्वारा क्या काम कराया गया था कि नहीं? हाँ, काम हुआ था उनके द्वारा भी, वो जो PCCA क्या बोलते हैं,
ये सब उन्हीं के द्वारा कराया जी, जी। लेकिन इस 5 सालों में काम नहीं हुआ है ना। नहीं, आप अपना नाम बताइए। नगीना गुप्ता। नगीना गुप्ता किस पंचायत से है? मकरियार पंचायत। मकरियार पंचायत के नगीना गुप्ता है। इनका कहना है कि काम नहीं हुआ है। मुखिया की तरफ जाने वाली जो सड़क है उनके घर के तरफ, वो भी नारकीय उसकी स्थिति है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। फिर से चुनाव आ गया है और चुनाव में लोग आएंगे, वोट मांगेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। जनता भी है थोड़ी सी भावुक हो जाती है। आप बताइए, इसी पंचायत के हैं जी? इस पंचायत में कितने नंबर वार्ड से हैं आप? हम 7 नंबर वार्ड से हैं। 7 नंबर वार्ड की स्थिति क्या है ये बताइए। 7 नंबर वार्ड की स्थिति ऐसा है जी कि रोड को तो सुन ही लिए। हाँ। और नल जल जो चल रहा है वो जगह जगह लीकेज है। जगह जगह लीकेज है, जगह जगह उसका पाइप जो है लीकेज है। हाँ, पाइप नल लीकेज। तो पानी आती है कि नहीं उसमें से? पानी आती है और आधा बाहर जाता है, आधा नल में आता है। आधा पानी इधर चला जाता है और आधा नल में जाता है। आधा नल में आता है। तो इसका वार्ड सदस्य के ये सब उसकी जिम्मेवारी है उनकी। हाँ। तो ये सब ठीक नहीं कराते हैं लोग? वार्ड सदस्य के काम हो गया, वो जीत गया, उसका काम हो गया, अभी मुखिया में लड़ रहा है। तो वो अपना मुखिया देखेगा कि वार्ड देखेगा? अच्छा, कौन है वार्ड सदस्य जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं? रितेश कुमार गुप्ता। अब वो मुखिया में लड़ रहे हैं? हाँ। तो आप तो फिर चुनाव में वो लग गए होंगे? हाँ, अब तो अपना काम करेंगे ना। यहाँ जनता के काम के लिए कौन होता है? और मुखिया के जो थे उनके द्वारा काम कराया गया है कि नहीं? मुखिया के द्वारा काम कराया गया है। ये सामने से रोड देखिएगा तो अभी बाकी है जी। लमसम 1.5 साल पहले रोड बन गया और 2 जगह बाकी लग गया। और दोनों जगह, एक जगह पाइप डालना था, दोनों जगह पाइप डालना था और वो बाकी लगा और अभी तक बाकी है। बाकी है? हाँ। मतलब कि जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो फिर से तो चुनाव आ गया और लोग आएंगे और वोट मांगेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, आप लोग भी उसमें फंसेंगे। अब तो मुखिया जी नहीं लड़ेंगे, अब दूसरा आदमी आएंगे, दूसरा अपना वादा लेकर आएंगे, दूसरे तरह के काम करेंगे। मान लीजिए जिस हिसाब से जनता चुनेगी उस हिसाब से होगा। तो आप लोग क्या सोचे हैं किस तरह के अब मुखिया को चुनेंगे, कैसा मुखिया होना चाहिए? मुखिया तो होना चाहिए जो भी फंड आए वो अपना विकास करे। जी जी। मान लीजिए कि किसी का आम पब्लिक का पैसा आता है और वो अपने हिसाब से काम करते हैं जी। जनता के हिसाब से कोई मतलब काम नहीं हो रहा है। और जो भी हुआ है, जैसे वर्तमान में आप आए हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु का वो काम है जी। अभी देखिए जिस रोड से जाइएगा तो पूरा रोड लाइटिंग से भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और रोड बैठने वाला हो गया है। और शौचालय जो बना उसी समय शौचालय उचालय आपके यहाँ बना है कि नहीं स्वच्छता अभियान के तहत, या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं? स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना और उसी बार पानी आया, उसी बार खत्म हो गया, सब गिर गया। मतलब नाम के लिए जो हुआ, सिर्फ नाम के लिए काम हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। चले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। चलिए, राजेश कुमार गुप्ता है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा चलेंगे उधर अभी दुकान भी। आप बताइए काम हुआ है आपके यहाँ? हमने कह रहा है निशान को लेने होने तो हमने कह रहा मैंने वोट देवे नहीं नू। कौन पंचायत में बनी रुआ? मकरियार पंचायत। मकरियार पंचायत के मुखिया जी जोन बारवान, वो लोग काम कर ले लोग जरा रुआ जीतल हो हम लोग तो अभी तो वही है पहल के मुखिया। हाँ, आ रहा बने, बताइए रुआ बताइए। हाँ, तो पहल के बात हम जी बा वही आदमी पहले से जोन भइल बा उहे बा, नया कुछ नहीं का भइल। अभी कहाँ भइल जाना? तो अब तो 5 साल मान ली बीते जा रहल बा, फिर लोग आई अब चुनाव खातिर, अब तो घूम रहल बा लोग, नेता लोग। हाँ, क्या करें हम लोग अब फिर? अब का हुई जोन सब जनता जी यहाँ हुई हुई हमियों के बानी। चलिए देखिए, जनता है, जाहिर सी बात है, भोली भाली होती है जनता, जाहिर सी बात है। चुनाव आता है, 10 तरह के प्रलोभन भी लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए और देखिए यहाँ पे पकौड़ी वकौड़ी की भी दुकानें हैं, एक बाज़ार है और ये भी दुकान है, वहाँ देख सकते हैं पकौड़ी की दुकान है। तो एक छोटा बाज़ार है मकरियार जो पंचायत है। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से भी बात होगी, अभी आगे भी चलेंगे, कुछ दुकान है। आप बताइए चचाई, क्या स्थिति आपके पंचायत की? बहुत बढ़िया और बाबू। हाँ। कमा तो लो खा तो लो, बिजनेस मैन हो गए बोलो जी, जी हाँ। अच्छा, क्या हमारा घाटा मत लागे जी, ठीक न? ये सोचे तो खातिर कमा तो लोग कमा तो लो खा तो लो, ना काम ले अलो सीवान से आ ना गाँव में देखा लो, ना कमाइलो ना खाइलो, ना अपने बॉल बनल बोलो, हम बॉल बना के रखल बोलो। अच्छा, आ बटवा हम लोटा में तो डालब से ना केहू के ना केहू के दबाई के पड़ी है तो सामने फिर आए तो जानत लो कि केहू के ना केहू के दबाई के बाद तो जाई लो कहाँ जाई लो कहाँ। हाँ, इतना समझे लो ना तो समझे, सब गाँव में नाला नुली बन गए। हमारा गाँव में मौजूद सगरी पंचायत से घटिया पंचायत। कौन वार्ड में बानी रहुआ?
हमने के 9 नंबर में बानी सा 9 नंबर के और काई स्थिति में नल जल के ई सब के काई स्थिति नल जल तो हमरा आइबे ना कोई लाज तक लेख सम है जाए जे आ दूसर रहन जे ए बार ये गांव में एक के समझ नहीं समझ में कौन ना चालू भी नहीं हुआ है। हां नल जल के सवाल मत करी, लिखो फेंको हो गए जी। कब आवेला पानी का मुखिया जी लोग जब आइल होई, अच्छा वार्ड सदस्य लोग आइल होई, तो वहां से तो पिछला चुनाव में तो बड़का बड़का वादा करके गई होई लोग कि हम जीते हम तो ई कराएं हम मालिक है। पुलवा में कहलो जे आज पंचायत में सरपंच बड़े तीन कॉलेज है जे हम जमीन थोड़ा ई कर दे शादी ब्याह करे खातिर जे वहां बैठका बन जाए लोग के शादी ब्याह में बारात पुलवा तर आज तले पुलवा तर जंगल जाम के कूड़ा हो गए सरपंच के पते ना लगल। मुखिया जी के काने नहीं के सरपंच जी के मुँह बोलिए नहीं के तो मुखिया जी तो मान ली अगर बीमारी से ग्रसित बारन तो कोई तो उनका काम देखो थी ना देख ले लो रोज मोटरसाइकिल से आवेला लो जाला आवेला लो जाला लो देख ले लो सब कुछ माने पब्लिक से मतलब नहीं के लोग हमने से मतलब नहीं के बाकी लोग सबसे मतलब हो तो अब तो फिर आई लो रुआ से वोट मांगी लो वोट ली लो फिर अब वो अजबे ना करी है मुखिया जी। अच्छा नया मुखिया लोग आवत लो तो बिजनेस मन बालो ना तो फिर तो कैसन लोग के चुनम लो रोवल और सुने के तो रोवे लोग के नुबा। अरे मालिक तो हमने कह दे रोवे 10 आदमी मिल के एक आदमी को वोट देते जदी चोरे हो कर उनका वोट देते तो हम का लोटा में नान डाले हम का जे चोरे हो तो चोर। लेकिन वो शुरू में वो कहनी है कि व्यवसाय बना ले बोलो बिजनेस में एक माने क्या माने बिजनेस कौन तरीका है का बना ले बोलो ये थोड़ी जाने लेकिन आई रोड बनल तो जाए गोवा में जी तो लोग जाए जे का बिजनेस कर ले बोलो रोड बनाओ लो तो सरकार IPCC देता जो तो बढ़िया काम करा जी घटिया काम हो गया घटिया काम हो तो इसमें बचे तने के तो काहे के कराओ तने पूरा घोटाला भइल बा तब एकरा मतलब की हां जी अब नाला बन गइल समझ जाए जे आ तीसरे दिन अपन नाम बताई रुकिए एक बार अपन नाम बता दी वरना बस इसी पंचायत के हैं जी तो रुकिए एक मिनट चलिए और भी कुछ लोग हैं इनसे भी बात कर ले इसी पंचायत के हैं आप बताइए क्या स्थिति है आपके पंचायत की। स्थिति बहुत खराब है। क्या खराब है बताइए। खराब है कि रोड जहाँ बना है वहाँ पानी लग जा रहा है। कहाँ की ये बात कर रहा है? बात कर रहे हैं वो रोड तो अभी तो बन गया है जिला पार्षद बनवाए हैं। अच्छा एक उधर है वो है जिला पार्षद इधर के संगीता देवी संगीता देवी है तो उनके द्वारा बना दिया गया है और मुखिया लोगों द्वारा जो काम कराना चाहिए 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया फिर चुनाव आ गया लोग आ रहे हैं तो उनके कार्यों से खुश हैं? नहीं उनके कारण से खुश नहीं ये काम हम नहीं कराए हैं काम ही नहीं हुआ है तो कैसे बस खाली जल नल हुआ है वो भी फेल हो गया है। कहाँ का फेल हो गया है नल जल? वो दोनों बगल का जो एक लगाए या कोई उधर लगाए तो नहीं चल रहा है तो कभी वार्ड सदस्य से आप लोग शिकायत किए हैं? किए हैं तो मरम्मत होता है फिर बिगड़ जाता है बस बनता है फिर बिगड़ता है तो फिर चुनाव आ गया लोग आएंगे बड़े बड़े वादे करेंगे क्या होगा क्या होगा देखा जाएगा उसके बाद होगा तो। कैसे लोगों को चुनेंगे आप लोग? बढ़िया आदमी को चुनेंगे हम। ये तो बराबर आप लोग बोलते भी हैं लेकिन होता क्या है कि जब चुनाव आता है तो नेताओं के प्रत्याशियों के प्रलोभन में भी लोग चले जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं ऐसा नहीं बढ़िया नेता अच्छे लोगों को चुनेंगे। नाम बता दीजिए अपना। विवेक कुमार। चलिए विवेक कुमार हैं और मकरियार पंचायत के ये रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम इधर चलेंगे कुछ लोग उधर भी बैठे हुए चाय की दुकान है पकौड़ी की दुकान है वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ से भी हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है क्या होना चाहिए कैसा मुखिया चाहिए ये तमाम तरह की चीज़ें थोड़ा सा इधर भी चल के हम बात करेंगे अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे थोड़ा देखें। चलिए गांव का माहौल है जाहिर सी बात है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप लोग बैठे रहिए गाँव का माहौल है कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए कि इसी पंचायत के आप लोग हैं जी बैठ जाओ तो क्या स्थिति है मुखिया काम उम कराए हैं कि नहीं कराए हैं? कराए हैं कराए हैं क्या कराए हैं ये बताइए। बहुत कुछ कराए हैं मुखिया तो काम कुल कराते हैं रोड बनवाए हैं और बेटी बहन के लोग शादी कराए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं कि काम नहीं करवाए नहीं काम कराए हैं सर काम करवाए हैं काम कराए तो फिर चुनाव आ गया बहुत सारे लोग आ भी रहे होंगे वोट मांगने के लिए तो वो तो सुन रहे हैं कि मुखिया अब चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि पायलेसिस के शिकार हो गए हैं नहीं लड़ेंगे तो कैसे लोगों को चुनेंगे आप लोग? अब ये एक बाइक सर हम लोग नहीं बोलेंगे जी बाद में बोलेंगे अब 10 दिन 2 दिन रहेंगे तब हम लोग बोलेंगे तब आप लोग बोलेंगे हम लोग बोलेंगे। कैसा मुखिया को चुनना चाहिए आप लोगों के नज़र में क्या हिसाब? बहुत काम करने वाला मुखिया हम लोग चुनेंगे सर काम करने वाला जी जो काम करे ब्लॉक पर ब्लॉक पढ़ा लिखा हो को तेज हो को ब्लॉक पर डेली अपना ब्लॉक पर डेली रहे आ काम लाया सर काम वहाँ से ब्लॉक से सीधे लाया ले आएगा तो काम करेगा
आप अपना नाम बता दीजिए। केदार पड़ी। चलिए केदार जी बोलिए, आप बताइए क्या स्थिति है आपके पंचायत की? पंचायत की स्थिति सही बात है? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है सर। काम कराते किए हैं, कराते भी हैं। हाँ अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं काम नहीं हुआ है, बिल्कुल फेल रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, काम कराए हैं। काम कराए हैं। चलिए आप बताइए क्या हुआ है कामों में? काम हुआ है सर, काम इस तरह का काम हुआ है? काम बहुत तरह का काम हुआ है, माले नाला बना, नाला बनाया, बहुत विकास बहुत किया है जी। हाँ रोड सर यही बना है, मुखिया बनवाया, बनाए रोड। आप बताइए हुआ है काम ओम? जी सर काम छुपे हुआ है, मतलब हुआ है कि सब लोग के देखा देखी आप? ना, देखा नहीं, काम तो हुआ है, काम हुआ है। चलिए चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि काम हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं हुआ है। और वह बताइए चाचा, काम ओम भइल बा कि ना पंचायत में? काम भइल बा है। अच्छा इधर जाओ। काम बा? हाँ भइल बा। बताइए रोड बनल बा? अच्छा और काम के बनवैले बा? मुखिया बनल बा। अच्छा कौन मुखिया? राम मछी बनवैले बरन। हाँ अच्छा, पानी उनी नल जल उल जल के का स्थिति बर वो लोग के पंचायत में? हाँ वो ठीक है बा, चलते बा। माने ठीक है बा कि ठीक बा? ठीक बा, चलता छुची पान दे चलता। हाँ चलता कि दौड़ता? दौड़ता जौने समझी, चलता पानी गिरता। आ रोड रोड के स्थिति तो बहुत खराब बताओ तर उन्हों? खराब कौन बा, बनल जोन बनल बा, पहले पानी लागल बा, बहुत लोग रुए गांव के लोग बताओ तो पानी लागल बा, पानी। चलिए एक मिनट बताइए क्या बता रहे हैं? मुखिया देते हैं ना? नहीं मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 18 वर्ष के कम आयु के हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट होने के नाते बताइए कि क्या स्थिति है, क्या समस्या है? यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, जो सड़क होता है बरसात में लोग पानी लग रहा था तो वो बन गया है, जो गाँव से हनुमान मंदिर से रोड जा रहा था गाँव के मुख्य सड़क हमीद अंसारी के द्वार तक वो सड़क बना था, लेकिन वह पूरी तरफ से क्षतिग्रस्त थे, आधा बना आधा बीच में दलाल खा गए। दलाल खा गए? हाँ जो माने दलाल पैसा खा गए? हाँ उसमें जो बनाने वाले थे वो खा दलाल थे कि ये लोग जो खा गए? हम मुखिया जी के जो नाम लेना नहीं चाहेंगे हम, जो उनके साथी थे वो जाकर बैंकों में उनके साथ पैसा लेकर अपने बगली में रख लेते थे, और काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। काम अच्छा नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो काफी परेशानी होती है? काफी परेशानी होती है। करके यहाँ के लोग शिकायत नहीं किया अधिकारियों से? उनसे बार बार कहने पर कहते हैं कि बन जाएगा। अच्छा। ना लेकिन नहीं बनता है। तो अब तो समय खत्म हो गया? अब समय खत्म होगा तो कह रहे हैं कि जीतेंगे तो बनवा देंगे हम। तो वो तो चुनाव शायद नहीं ना लड़ रहे हैं? नहीं, उनके जो दलाल है वो लड़ रहे हैं। कौन है दलाल? उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे हम। दलाल का नाम नहीं लेना चाहेंगे है ना? मतलब कि उनके जो दलाल हैं वही सब कुछ देख रेख करते हैं? हाँ उनके देख रेख करते हैं। अच्छा अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजीत कुमार। सुजीत कुमार, चलिए सुजीत कुमार हैं, बहुत अच्छी बात जो बात है अपनी इन्होंने रख दिया कि दलाल किस्म के लोग हैं जो कि ये काम नहीं करने देते हैं और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है, रोड घोटाला हो चुका है, कई तरह की बातें हैं। यहाँ देखिए चाय चल रहा है, पकौड़े समोसे सभी तरह की चीज़ें, जाहिर सी बात है कि गांव में जब जाएंगे तो एक माहौल उसका अलग दिखाई देगा। और हम जाकर के बैठे रहिए आप लोग, हम जाकर के गांव के लोगों से थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ पे चाय की चुस्की चल रही है और इसी के साथ हम बात भी करेंगे। यहाँ एक चाचा है, पेपर भी पढ़ रहे हैं। चाचा ये बताइए कि इसी पंचायत के हैं आप? मकरियार पंचायत के। तो काम हुआ है? हुआ है जो हुआ ठीक ही हुआ। ठीक ही हुआ है कि ठीक हुआ है ये बताइए? हाँ ठीक हुआ। सही बात है ये बताइए? ठीक हुआ है। ठीक हुआ है, क्या ठीक हुआ है ये बताइए, और क्या नहीं ठीक हुआ ये? वही जल नल हो, दूसरा काम है बिजली हुआ, और कौन दूसरा काम है यहाँ? बस इसके बाद और कोई काम नहीं है? उसके बाद ये भी है कि मनरेगा के तहत बहुत सारी चीज़ है जो जिसको लेकर के काम कराना है आपको, जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ पौधा लगाना है, उसके बाद शेड लगाना है, कई तरह की चीज़ें आप लोगों को जानकारी नहीं है, बताया नहीं जाता है। ना ना वो सब नहीं है, कहाँ है, कहाँ है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पेड़ पौधा आपके पंचायत उंचायत में कुछ लगा है? नहीं नहीं लगा है। नहीं लगा है। शौचालय उचालय मिला है? बताए ना, शौचालय उचालय कुछ बना है ये बताइए? पहले बना था, इस बार तो बना नहीं है। इस बार नहीं बना है। और जो गरीब किस्म के लोग हैं, जो बहुत ही निसहाय लोग हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान वकान भी बनवाने कुछ है इस तरह का? हाँ बना है, दिखाई दे रहा है? हाँ कुछ आदमी दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि कुछ कामों से संतुष्ट है, कुछ नहीं संतुष्ट है। चलिए इस बार नए फिर से अब प्रत्याशी लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, कैसे मुखिया को आप चुनेंगे, किस तरह का? अब देखा जाएगा, अभी तो समय है, जैसे जनता बहेगी वैसे अब आ जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम कामेश्वर गुप्ता है। आप बताइए क्या हाल है ये बताइए? ठीक हाल है।
पंचायत में क्या काम हुआ है कि नहीं? हमें पंचायत के नहीं है सर, हम पंचायत के नहीं ना, धनौती पंचायत। अच्छा, बगल के पंचायत के हैं आप, तो इस पंचायत के हैं ना, बताइए काम हुआ है कि नहीं? काम तो हुआ ही है। काम हुआ है? क्या काम हुआ है? रोड का हुआ है। अच्छा, सिर्फ रोड के काम हो जाने से काम हो गया? नहीं, जो अब हमें का पता है कौन से काम होना चाहिए। आप लोग पंचायत के तो आप लोग तो पूछेंगे ना जी मुखिया साहब। हाँ, हाँ, वोट आप देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट तो देते हैं। वोट देते हैं तो अधिकार तो आपका है ना? हाँ, जी है। तो बहुत सारे काम है, वो कुछ आप लोग का राशन कार्ड बना है, ये सब है? हाँ, राशन कार्ड है, राशन समय से मिल जाता है। अच्छा, और कुछ सरकार की योजना है मनरेगा के तहत काम कराना है या कई योजना है वो सब कुछ होता है? होता है, लेकिन हमको नहीं मिला है काम, वैसे हम मजदूर है। अच्छा, मजदूरी हाँ, है। हाँ, तो मनरेगा के तहत मजदूरी वजदूरी की सब आप लोगों को मिलता है? नहीं, हमको काम ही नहीं मिला है। तो काम नहीं मिला? नहीं, काम ही नहीं मिला है। तो अभी आप लोग मुखिया को बोले हैं जाकर के कि नहीं? नहीं, किससे बात है? कोई आदमी सुनने वाला है तो बता, किससे बात करेगा? कोई सुनने वाला नहीं, केवल वोट लेने के लिए लोग जानते हैं। हाँ, फिर इस बार आएगा लोग वोट मांगेगा, लोग आप लोग वोट दे देंगे? हाँ जी, हाँ वैसे ही। अब क्या करेंगे, जब सब देंगे तो हम देंगे। कैसे लोगों को चुनेंगे? अच्छे लोगों को चुनना होना। नहीं, अच्छा चुनेंगे। किस तरह के लोगों को चुनना चाहेंगे? अच्छे जो हम वोटवा तो देना ही है। हाँ, बताइए। जिस तरह लोग मांगेंगे उस तरह से वोटवा तो देना ही है, चाहे गाढ़ा में बिक दिए चाहे रुआ के दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल है जी, लोग आई वोटवा खातिर तो देवही के परी, देवे के परी। तो बढ़िया खराब चुने चुने सारा लोग चुनी वही के चुन के दिहल जाये। एगो हम अकेले थोड़े चुने जी, हमारे गांव में 500 आदमी बारे तो 500 आदमी मिल के चुनिए उनका के दिया जाए। जी, बढ़िया खराब देखेगा बना। हाँ, के दुख सुख में खड़ा है। अकेले अपने के नानू दे दे जी, हम 500 आदमी के संग बनी जी, ओकरा संग देवे के बा जी जी। आप बताइए कि इसी पंचायत के हैं? अच्छा, इस पंचायत के नहीं है। तो कुछ लोगों से बातचीत जो हो रही है आपने देखा कि क्या कुछ यहाँ पे बैठे वो जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे। आप बताइए क्या स्थिति है रोड की, जो बार बार आप लोग बता रहे हैं क्या स्थिति है? रोड का स्थिति सही नहीं है, बहुत जर्जर है। अभी नया शिलान्यास हुआ है उनका, छह माह बने हुआ है, अभी तक टूट रहा है रोड पूरा। मात्र 6 महीना हुआ है शिलान्यास हुआ है कि उद्घाटन हो गया? उद्घाटन बन गया, उद्घाटन हो चुका है, बन गया, लेकिन वो पूरा सक्सेस नहीं हुआ है, पूरा क्लियर बना भी नहीं है। जाइए यहाँ पर थोड़ा लाइव देख लीजिए, जो भी निर्माण हो रहा है, जल नल का दशा है, देख लीजिए जल नल हम लोगों का। अच्छा, ये नल जल का स्थिति है। लेकिन आप हंसिए नहीं, आप तारीफ कर रहे थे, आपसे जब सवाल किए हैं तो आप सब कुछ बोले कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी है, रोड खराब है, बाकी ये सब काम ठीक है। आप सब में बोले हैं सब कुछ ठीक है, और सब तो हमारे देखने से सही है, कोई काम सही नहीं है। ये तो बोलिए ना, यही ना बोल रहे हैं आप, तो ये झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बताइए क्या ये देखिए तो। अच्छा, देखिए ना सामने है आपका, देखिए लाइव दिखाइए उसमें, देखिए। चलिए थोड़ा सा देख लिया जाएगा, देखिए नल जल की क्या स्थिति है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, डंडा लगाया गया है, ये नल है, इसी में से जल आता है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये स्थिति है यहाँ की, देख लीजिए थोड़ा सा ये क्या स्थिति है, ठीक है ना। ये कितने नंबर वार्ड है? 7 नंबर की स्थिति है, देख लीजिए थोड़ा सा ये स्थिति को देखिए कि क्या यहाँ पे, यही सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नल जल, ये देखिए नल में डंडा लगा हुआ है, कैसे लोगों को पानी मिलेगा? लेकिन लोग जो है भावुक होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे प्रतिनिधि को चुनना है। हालांकि स्थिति जो है मकरियार पंचायत की, लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों का कहना है कि काम नहीं हुआ है। हालांकि जो मुखिया यहां पर रामाशीष यादव हैं वो एक बीमारी से ग्रसित और ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके जो कामकाज देखने वाले जो लोग थे, हालांकि कुछ लोगों ने अपशब्द भाषा का भी प्रयोग किया जिसे हम नहीं कह सकते हैं, वो लोग भी इस चुनावी मैदान में हैं। देखना होगा कि यहाँ की जो जनता है किसे अपना मुखिया चुनती है, क्या ऐसे ही जिस तरीके से झेल रहे हैं, विकास नहीं हुआ है, उसी तरीके को मुखिया को पे ये लोग चुनेंगे, या फिर एक अच्छे मुखिया का चयन करेंगे जो इनके सुख दुख में काम आवे और कदम से कदम मिलाकर चले, पंचायत का जीर्णोद्धार करे, विकास की गंगा बहाए। देखना होगा कि आने वाले वक्त में कैसे मुखिया को मकरियार पंचायत की जनता चुन करके सदन में भेजने का काम करती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कुछ एक सड़क है जिसको लेकर के लोग बता रहे हैं, उस सड़क के तरफ हम थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि दिखाना जरूरी है कि 5 वर्षों में जिस मुखिया को, जिस प्रतिनिधि को लोगों ने चुन करके सदन में भेजने का काम किया, उसका विकास किस तरीके से मकरियार पंचायत में दिखाई दे रहा है, उसकी सच्चाई को हम दिखाना जरूर चाहेंगे अपने कैमरे की नज़र से, और चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मकरियार पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे,
पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाए समाधान। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीबीसी विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेंस कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।